अब बात करेंगे सीमा हैदर को लेकर। ट्रोलर्स को सीमा हैदर का बड़ा जवाब दिया है। सीमा हैदर ने वीडियो जारी कर कहा ट्रोलर्स पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। सीमा ने कहा पति सचिन वकील एपी सिंह के लिए गलत बात कहने वालों पर कानूनी एक्शन लेंगे। सीमा बोली सीएम योगी पीएम मोदी के शरण में हूं, मेरे बच्चे सनातनी हैं और मैं सनातनी हूं। सुनिए जरा। नमस्कार, जय श्री राम, सभी को राधे राधे। इतने दिनों से जो हमारे ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाए जा रहे थे, बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे पति के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरी मीना फैमिली के ऊपर, मीना समाज के ऊपर, रबुपुरा के ऊपर जो झूठे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, सनातन धर्म पे आरोप लगाए जा रहे हैं, मेरी बिंदी सिंदूर लगाने पे और मेरे मंगलसूत्र पहनने पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मेरे व्रत रखने पे, मेरी पूजा करने पे और मेरा हनुमान चालीसा पढ़ने पे जो अलग अलग लोग आरोप लगा रहे हैं, तो अब मैं उन चीजों से परेशान होके, दुखी होके मैं अपने प्यारे भाई डॉक्टर एपी सिंह को मैंने कहा कि आप इन पर सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह बहुत सहनशील हैं, बहुत ही सहनशील हैं, वो सहनशील की मूर्ति हैं। वो किसी के पेट पे लात नहीं मारना चाहते थे। उन्होंने भी बहुत ही ज्यादा सहा है, हालांकि उनको भी लोग बहुत ही ज्यादा कहते हैं, बहुत ही ज्यादा कहते हैं। अब मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई हूँ, बहुत परेशान हो गए इन चीजों से, तो अब मैं अपने वकील भाई डॉक्टर एपी सिंह से कार्रवाई करवा रही हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो किसी के बारे में कुछ कहें, क्योंकि वो कभी भी किसी के लिए गलत भाषा नहीं बोलते। वो सबका सम्मान करते हैं, बच्चों से लेके बूढ़ों तक का सबका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, दिल से प्रेम करते हैं और दिल के भी राजा हैं और जुबान के भी राजा हैं मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह, काम के भी राजा हैं मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह। और वो ये भी नहीं सह सकते कि उनकी बहन को, यानी कि मुझे, सिर्फ सनातन धर्म ग्रहण करने की वजह से इतना जलील किया जा रहा है, इतना उल्टा सीधा बोला जा रहा है, मेरे बच्चों को सनातन धर्म ग्रहण करने की वजह से बहुत ही गलत गलत बोला जा रहा है। मैंने मोदी जी का और योगी जी का समर्थन करके क्या मैंने गलत किया है, कोई गुनाह किया है? जो लोग इस देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी, तो उन्हीं के लिए उनकी जय जयकार करने में क्या बुराई है? वो हर धर्म का साथ देते हैं, हर धर्म की लोगों को सपोर्ट करते हैं, हर इंसान, हर व्यक्ति के लिए वो कुछ ना कुछ करते हैं, तो उनका तो हम सपोर्ट हमेशा से करते हैं, हमारा मीना समाज उनको सपोर्ट करता रहता है। पर अफसोस और दुख इस बात का है, मुझे सनातन धर्म ग्रहण करने की वजह से इतनी बातें सुननी पड़ रही हैं, इतना उल्टा सीधा लोग हमें बोलते हैं। तो हमने अपने भाई डॉक्टर एपी सिंह को मैंने कहा है कि अब आपको इन पर एक्शन उठाना होगा, क्योंकि अब बहुत हो गया, अब सहन शक्ति खत्म, अब जो उनको जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब और नहीं सुन सकते। वो अब उल्टा सीधा बोलते हैं, बुरे बुरे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं मेरे लिए, मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह के लिए, मेरे परिवार के लिए, जो बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि मैं सनातन धर्म में आई हूँ, इसकी वजह से कुछ लोग मुझे उल्टा सीधा सुनाते रहते हैं। देश की तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था के बीच दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। इस बीच खबर है कि भारत के साथ व्यापार को लेकर मध्य एशिया के तीन